हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अपना चैनल आरजी कार रिव्यू। तो हमारे सामने दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जो कि है अर्टिगा की ZXi और अर्टिगा की BXi। तो दोनों ही वेरिएंट जो है काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होने वाले हैं। वैसे तो गाड़ी अर्टिगा जो है वो वेटिंग में रहती है, बहुत ज़्यादा सेल आउट होती है, लेकिन इन दोनों में 2024 में आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ क्या क्या है। तो भाई ZXi जो है वो CNG पे मत जाइएगा, बाकी दोनों चीज़ें जो है पेट्रोल के ही लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर बात करूं मैं तो ZXi में आपको फ्रंट से जो चेंज देखने को मिलता है वो केवल और केवल फॉग लैंप का देखने को मिलता है। बाकी इंटीरियर, बाकी जो एक्सटीरियर है फ्रंट लुक का, वो सेम देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों में आपको क्रोम ग्रिल देखने को मिलती है। कुछ इस टाइप से क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाती है, आपको BXi में भी देखने को मिल जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं, जिसमें फॉग लैंप है वो ZXi है, जिसमें नॉन फॉग लैंप है वो आपकी BXi ब्रांड है। और नीचे के बम्पर ग्रिल, बम्पर के बेजल्स जो हैं वो आपको सब सेम देखने को मिलते हैं BXi और ZXi में। और अंदर जो LED लाइट्स हैं, मतलब जो इसकी लाइट्स वगैरह हैं, वो उसके भी क्रोम फिनिश जो है वो सब सेम देखने को मिलती हैं। आप देख पा रहे होंगे दोनों गाड़ियों की जो इंडिकेटर हैं, जो आपके प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं, वो आपको सेम देखने को मिलते हैं। ऊपर इवन आप देखेंगे तो आपको जो रूफ एंटीना देखने को मिलता है वो भी आपको सेम ही देखने को मिलता है। बॉडी कलर बम्पर देखने को मिलेंगे, और सॉरी बॉडी कलर OBMs दोनों में देखने को मिलता है। बॉडी कलर आपको OBM के साथ साथ आपको देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर जो कि है, दोनों फोल्डेबल OBMs हैं, इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकल एसोसर, बट दोनों के जब रिम में आते हैं तो आपको एक में देखने को मिल जाता है डुअल टोन डायमंड कट वाला आ रहा है, एक में जो है आपको स्टील रिम देखने को मिलता है कुछ टाइप से, जो कि है ब्लैक कलर का। लेकिन कंपनी जो है इसके साथ आपको व्हील कैप प्रोवाइड कराती है, जो कि कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो साइड प्रोफाइल की और हम बात करें तो इसके दोनों के जो हैंडल्स में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ZXi जो है उसमें आपको क्रोम वाले हैंडल देखने को मिल जाते हैं, और BXi जो है उसमें आपको पेंटेड वाले देखने को मिल जाते हैं डोर हैंडल, जो कि दोनों में सेम डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें जो है आपको पुश बटन स्टार्ट आता है, तो रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको इसमें देखने को मिलता है, और BXi में आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल वाली की देखने को मिल जाती है। तो ये तो हो गई सारी बातें। अगर मैं प्राइस के डिफरेंस की बात करूँ तो 1,00,000 रुपये का प्राइस में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है दोनों गाड़ियों में। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइस की बात बताऊँ तो 9,78,000 रुपये कॉस्ट करती है BXi, जो कि ये वाली है, और 10,78,000 रुपये एक्सरूम कॉस्ट करती है 10,88,000 रुपये, 1,10,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों में, जो कि है ZXi। तो अब इंटीरियर में देख लेते हैं, सारे फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या 1,10,000 रुपये में कौन सी गाड़ी हमारे लिए वर्थ रहेगी। तो बात करते हैं इसके इंटीरियर। तो यह है भाई BXi का इंटीरियर। इंटीरियर देखेंगे तो डैशबोर्ड जो है कुछ इस टाइप से आपको डुअल टोन में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको AC अगर देखते हैं तो नॉर्मल देखने को मिलती है मैनुअल कंट्रोल्स के साथ में। ऊपर आपको टच बटन के साथ देखने को मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको पार्किंग कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको बटन का काम देखने को नहीं मिलेगा। ऑडियो स्टीयरिंग रिमोट कंट्रोल सेटअप देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, और बीच में जो MID है उसमें आपको सारी नोटिफिकेशंस जो है वो देखने को मिल जाएंगी। देन अगर साइड में बात करेंगे तो चारों पावर विंडो, एक जो है आपको ऑटो वाली देखने को मिल जाती है, देन आपको वन टच लॉक अनलॉक देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल स्टेबल OBM, इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल OBM भी देखने को आपको मिल जाएंगे। देन की जो है आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलती है, जिसमें आपको दोनों रिमोट सेंटर लॉकिंग देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे तो आपको AC वेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एक देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, USB पोर्ट और AUX पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो आपको सिस्टम में देखने को मिली जाती है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं आप IRBM, तो IRBM जो है डे एंड नाइट फीचर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। रीडिंग लैंप जो है वो आपको देखने को मिलती है हैलोजन में, और वैनिटी मिरर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस टाइप से आपको फ्रंट लुक इसमें देखने को मिल जाता है। देन अगर पीछे वाले लुक की एक बार बात करूँ तो बीच वाली सीट पे चलते हैं इसकी, तो भाई ये जो है अभी मैं आ चुका हूँ इसके सेकंड रो वाली जो BXi है उसी के अंदर, तो आप देखें तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है रूफ AC आपको देखने को मिलेगी, जिसके कंट्रोल जो है आप ब्लोअर कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। पीछे आपको रीडिंग लाइट जो मिलेगी वो भी आपको हैलोजन में देखने को मिलती है, और 60-40 स्प्लिट वाला ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर जो है आपको ये हैंडरेस्ट देखने को मिलता है, हैंडरेस्ट जो है वो आपको विदाउट कप होल्डर के साथ देखने को मिलता है। दोनों जो है हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाएंगे, और कुछ इस टाइप से आपको मिड वाला सीट देखने को मिलती है, जिसमें आपको ग्रैबर हैंडल भी देखने को मिल जाते हैं। पीछे वाली सीट्स की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन चार्जिंग पोर्ट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर जो आपको ग्रैबर होल्डर भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं अब
ZXi के इंटीरियर की तरफ। तो भाई ये जो इंटीरियर है ये आप देख रहे हैं ZXi ब्रांड का, जिसमें आपको ऑटो क्लाइमेट एसी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलता है सेम उसी की तरह कप होल्डर, लेकिन कप होल्डर में जो है आपको एसी वेंट उसी की तरह देखने को मिल जाता है। ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है, सॉरी इसमें यूएसबी है, ऑक्स का पोर्ट नहीं है, और इसमें आपको कप होल्डर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। देन आपको चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है। इसकी की जो है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, जो कि सेंट्रल लॉकिंग वाली विद रिमोट के साथ, यानी कि रिमोट उसमें भी, बट ये बोलते हैं ना कीलेस एंट्री, तो उस टाइप से आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि इसमें आपको पुश बटन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको आर्मरेस देखने को मिल जाता है, जो कि BXi से एक्स्ट्रा है। इसमें एसी जो ऑटो क्लाइमेट एसी है वो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलती है, और आपको जो स्टेयरिंग व्हील है वो आपको सेम देखने को मिलता है, जिसमें आपको ऑडियो स्टेयरिंग रिमोट कंट्रोल, और यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील के साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें सिल्वर कलर का देखने को मिलता है। और देन अगर आप देखेंगे तो जो डोर्स पे बटन दिए हुए हैं वो सारे सेम आपको देखने को मिलते हैं उसी की तरह, इलेक्ट्रिकल एस वाल्व आरबीएम, इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल आरबीएम, और चारों पावर विंडो। यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट बढ़ जाता है। भाई ये सीएनजी वाला वेरिएंट है, तो इसमें आपको यहाँ पे फ्यूल कन्वर्टर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ बात करेंगे इसके, तो कप होल्डर उसके साथ साथ आपको बॉटल होल्डर भी देखने को मिल जाते हैं कुछ इस टाइप से। स्पीकर्स की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी, और आपको ट्विटर की प्लेसमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वैनिटी मिरर जो है IRBM जो है इसका वो देखने को मिल जाता है, डे एंड नाइट फीचर के साथ में हैलोजन लाइट्स देखने को मिलती है, वैनिटी मिरर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको जो एक चीज़ बढ़ेगी वो आपको वुडन फिनिश वाला काम जो है बढ़ जाता है, इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है, बट इसमें भी पार्किंग कैमरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रही फ्रंट की बात, तो चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में एक बार, मतलब बीच वाली सीट्स पे। तो भाई अभी हैं इसके हम मिड वाली सीट्स पे सेकंड रो में, जो कि है ZXi। इसमें अभी उसी की तरह आपको ऊपर देखने को मिल जाती है कुछ इस टाइप से एसी बैंड्स, जिसके कंट्रोल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देन उसके साथ साथ आपको चार बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, जो अपनी साइड आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर देखें तो रीडिंग लाइट जो है वो आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेगी। देन आपको हेडरेस्ट जो है देखने को मिल जाते हैं, वो एडजस्टेबल वाले देखने को मिलेंगे, और इसमें भी आपको आर्मरेस्ट देखने को जो मिलता है, यानी कि हैंडरेस्ट जो देखने को मिलेगा वो आपको विदाउट कप होल्डर के साथ देखने को मिलता है। अगर सबसे लास्ट वाली रो की बात करें तो दोनों सीट जो है फोल्ड हो जाती हैं, हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं आपको। मैंने आपको चार्जिंग पोर्ट पीछे भी देखने को मिल जाता है, बॉटल होल्डर भी देखने को मिल जाता है। उस वाली गाड़ी में आपको बॉटल होल्डर देखने को मिलता था, लेकिन चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलता था, जो कि इस वाली गाड़ी में आपको देखने को मिल रहा है। देन अगर ऊपर बात करें, ग्रिप बार हैंडल वगैरह जो है वो सेम देखने को मिलते हैं, और सारी चीज़ें जो है सेम देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि उसमें भी आपको देखने को मिलता था। तो ये जो है डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं ZXi BXi के इंटीरियर में। तो लास्ट जो पॉइंट बचा है हमारा वो है रियर प्रोफाइल का, तो चलते हैं अब रियर प्रोफाइल का, दोनों का एक साथ दिखाते हैं रियर प्रोफाइल। तो भाई ये है रियर प्रोफाइल दोनों का, जो कि आप अगर देखेंगे तो आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, लेकिन दो चीज़ों का डिफरेंस है, एक रियर वाइपर और डिफॉगर का, बाकी सारी चीज़ें सेम देखने को मिलती हैं। जैसे कि दोनों में आपको चार चार पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है, बॉडी कलर बम्पर देखने को मिलता है, बम्पर में डिजाइनिंग वगैरह जो है रिफ्लेक्टर्स जो है वो आपको सेम देखने को मिलेंगे, LED टेल लाइट्स जो है वो सेम देखने को मिलती है, अर्टिगा की बैजिंग सेम देखने को मिलेगी, मारुति सुजुकी का लोगो सेम देखने को मिलता है। एक चीज़ और भी है, जैसे कि ये वाला BXi ब्रांड है तो इसमें आपको पेंटेड वाला काम देखने को यहाँ पे मिलेगा, लेकिन जो ZXi है उसमें आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में देखने को मिलती है। जो ये चीज़ें जो हैं रियर प्रोफाइल के लुक को अलग बनाती हैं। तो अगर इसके बूट की बात करें तो बूट आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, BXi में भी LXi में भी। तो यहाँ पे छोटा सा आपको बूट मिल जाता है, जिसमें नीचे आपको स्पेस देखने को मिलता है, एक पार्सल ट्रे की तरह आपका ये भी काम करता है, जिसको फ्लैट बनाता है। अगर ये वाली सीट्स आप फोल्ड कर लें तो इसको फ्लैट बना देता है। सेकेंड रो थर्ड रो मैंने दिखाई दी थी कुछ इस टाइप से है। तो अब बात करते हैं एक बार ZXi की, तो ZXi भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो भाई ये CNG वाला वेरिएंट है, बाकी सब चीज़ें सेम देखने को आपको उसकी इसकी देखने को मिलेंगी, कि स्पेस सेम रहेगा, बस इसमें आपको CNG डाल दी गई, CNG टैंक जो है वो आपको यहाँ पे लगा दिया गया है। इस पर आप बैठ भी सकते हैं, सामान भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मटेरियल लगा के मारुति ने इसमें वो पैक किया है। तो ये डिफरेंस जो था आपको देखने को मिल जाता था BXi और ZXi में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।